Hello everyone, welcome to India's second metabolic health conference. My name is Meenakshi Rana, aka Fit and Hit Mom and co-founder of Fit Family Hit Family and a proud member of DLife.in, India's oldest, biggest and the only award-winning low-carb platform. Shashikant Iyengar and Anoop Singh bring to you this historic and scientific piece from India titled Metabolic Therapies. And today's session topic is low carb and menopause. And let's meet our special guest for this session, Dr. Lily Kiswani. Welcome, Dr. Lily. And let me introduce her. She's an MD. और 30 साल तक उन्होंने गायनेकोलॉजी और लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद इंटीग्रेटिव मेडिसिन में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है. एंड नाउ शी इज इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर और वो इंडिया की पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी रही है. और उन्होंने दो किताबें भी लिखी हैं, एंडोस्कोपिक गायनेकोलॉजिक सर्जरी, और लास्ट ईयर ही उन्होंने एक बुक पब्लिश की है, ईट टू बीट डायबिटीज. एंड शी वाज रिसेंटली नेम्ड फोर्थ अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 20 डॉक्टर्स इन हर फील्ड. सो वी आर सो प्राउड टू वेलकम हियर एंड आई एम सो प्राउड टू होस्ट हर हियर. सो वेलकम डॉक्टर लिली. Welcome on this virtual stage of DLife.in and this conference. Thank you, Meenakshi ji. Thank you for inviting me. सबसे पहले तो मैं बता दूं कि I'm not India's first laparoscopic surgeon. I'm India's first female laparoscopic surgeon. My male colleagues will be very offended if they hear this. मैं clarification देना चाहती हूँ. So should we start with the questions? जी. सो मेनोपॉज से बहुत लेडीज डरती हैं और उनको लगता है कि तो एंड ऑफ आवर यूथफुलनेस है और अब पता नहीं क्या होगा और दे फील सम सिम्टम्स आल्सो, दे गो टू डॉक्टर आल्सो. सो एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मुझे 50 साल हो गए हैं मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किए हुए. दिस ईयर आई कंप्लीटेड 50 इयर्स. मैंने एक एक पेशेंट नहीं देखी है जो प्राइमरीली मेनोपॉज के लिए डॉक्टर के पास जाती है. 50 साल में एक पेशेंट नहीं देखी है. एंड आई हैव प्रैक्टिस्ड इन वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इवन कहीं पे भी अपने आप से. हम अपने फैमिली में इतने मग्न होते हैं दूसरों का ख्याल करने में, खुद का ख्याल नहीं कर पाते हैं. इज इट ओके? मुझे लगा कि अब विमेन ज्यादा अवेयर हो गई हैं, शायद उनको मेनोपॉज का पहले से ही सोशल मीडिया के थ्रू और मे बी उनकी फैमिली के थ्रू उनको ये पता चल जाए. जरूर है, लेकिन खुद से एक डॉक्टर के पास जाना अपनी हेल्थ के लिए वो जरा कम है. या ओके. बिफोर आई कम टू क्वेश्चंस डॉक्टर लिली, वी जस्ट वांट टू नो, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि आपने 30 साल गायनेकोलॉजी और लेप्रोस्कोपिक में प्रैक्टिस करने के बाद कैसे ये ट्रांजिशन किया, लाइक हाउ यू केम टू दिस लो कार्ब स्पेस. ओके, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. एक्चुअली मेनोपॉज ही मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन था. एज यू नो कि गायनेकोलॉजी में हॉर्मोन्स का काफी रोल होता है. इनफर्टिलिटी होती है, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, मेनोपॉज होता है. तो ये पेशेंट्स आया करती थी विथ हैवी ब्लीडिंग अराउंड मेनोपॉज, जिसको हम पेरी मेनोपॉज कहते हैं. और इनको मैंने बायो आइडेंटिकल हॉर्मोन्स देना शुरू किया, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं. जो तब तक हम 30 साल से तो वही फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यूज करते थे, लेकिन अब मेरी इंट्रोडक्शन हुई बायो आइडेंटिकल, मतलब एग्जैक्टली द सेम मॉलिक्यूल विच वी हैव इन आर बॉडी. और उससे इतने अमेजिंग रिजल्ट आए कि विद इन अ फ्यू मंथ्स उनकी ब्लीडिंग स्टॉप हो गई कम्प्लीटली, उनको बहुत स्मूथली मेनोपॉज शुरू हो गया. तो इससे क्या हुआ कि वो लोगों में एक बात फैल गई कि इस डॉक्टर के पास जाओ, ये बिना ऑपरेशन के ठीक कर देते. क्योंकि तब हम ऑपरेशन करते थे हैवी ब्लीडिंग के लिए, चाहे वो यूट्रस निकालना हो, चाहे जो मैं करती थी एंडोस्कोपिकली एंडोमेट्रियल एब्लेशन कहते हैं उसको. तो तब तब मुझे लगा कि ये जो मैं कर रही हूँ ये काफी पावरफुल चीज है. ये मैं अपने ट्रेडिशनल एलोपैथी प्रैक्टिस से नहीं कर पा सकती हूँ. तो तब फिर मैंने इसमें और पढ़ाई की और फिर मैं धीरे धीरे इस फील्ड में आ गई. ओके, वाओ, वंडरफुल. हमें ऐसे डॉक्टर्स और चाहिए, है ना, जो पेशेंट की भलाई के लिए उन्होंने अपना पूरा रास्ता ही बदल लिया. सो प्राउड ऑफ यू.
या डॉक्टर लिली, लो कार्ब, चूंकि ये प्लेटफॉर्म भी लो कार्ब प्लेटफॉर्म है, DLife.in, और हमारी जो हेल्थ कॉन्फ्रेंस है उसमें का नाम भी है मेटाबॉलिक थेरेपीज, तो हम जानना चाहते हैं कि कैसे लो कार्ब डाइट इन्फ्लुएंस करती है जो मेनोपॉजल के सिम्टम्स हैं, लाइक हॉट फ्लैशेस है, वेट गेन है या मूड स्विंग्स है, हाउ दिस डाइट हेल्प। मैं आपके साथ एक प्रेजेंटेशन शेयर कर सकती हूँ। या श्योर। यू विल हैव टू मेक मी होस्ट देन आई कैन शेयर स्क्रीन। ओके या वी आर मेकिंग यू होस्ट। Oh, ma'am, I've already given rights to you to share this screen. Thank you. जी या इट्स कमिंग। जी तो मैं क्विकली अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि अगर इनमें से कोई भी आपको बात डिस्टर्ब करती है, वजाइनल ड्राइनेस, प्रॉब्लम्स विथ इंटरकोर्स, ये सब बातों के लिए पेशेंट्स आते नहीं हैं, दे डोंट सीक हेल्प, ब्रेन फॉग की कोई चीज बात ध्यान नहीं आती है, थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, तो प्लीज आप हेल्प ढूंढिए, क्योंकि इन सब चीज का इलाज है हमारे पास। आपका वजन बढ़ जाता है, ओवरवेट हमने देखा इंडियंस में यंगर एज में 4% है, लेकिन मिडिल एंड ओल्डर एज में 34% तक हो जाता है, तो ये सब चीजों का इलाज है, आप प्लीज हेल्प ढूंढिए। और हम आपको बहुत सारी दवाइयां नहीं देंगे जो आपको उम्र भर लेनी पड़ती हैं, हम फोकस करते हैं नेचुरल इलाज के ऊपर जो आप बहुत आसानी से अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है डाइट। डाइट से इवन जो आपको मेनोपॉज के वक्त डिप्रेशन होती है या एंग्जाइटी होती है या नींद नहीं आती है, इंसोम्निया होता है, इन सब चीजों का इलाज हो सकता है, क्योंकि डाइट से हमारी गट हेल्थ, इंटेस्टाइन्स की हेल्थ में फर्क पड़ता है, और इंटेस्टाइन की हेल्थ से हमारी ब्रेन की हेल्थ में फर्क पड़ता है। तो अगर हम सही डाइट खाएंगे तो हमारी ब्रेन हेल्दी रहेगी, तो हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमनिया, इन सब चीजों में फर्क पड़ जाता है। और एक्सरसाइज तो आपको पता ही है कि करनी चाहिए, और एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए कि स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, जहां पे आप वजन उठाते हैं, सिर्फ एरोबिक्स नहीं, सिर्फ योगा नहीं, सिर्फ स्ट्रेचिंग नहीं, ऑल्दो दीज आर ऑल वेरी गुड, जरूरी है, लेकिन स्ट्रेंथ एक्सरसाइज जरूरी है। कभी कभी हार्मोन थेरेपी जरूरी हो जाती है, स्पेशली मेनोपॉज में, क्योंकि मेनोपॉज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है हमारे हार्मोन्स में, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन में। स्ट्रेस मैनेजमेंट सपोर्ट, ये और कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं आपको हेल्प करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। अब हम आते हैं डाइट पे, जो हमारा आज का टॉपिक है कि डाइट एंड लो कार्ब कैसे हमें मेनोपॉज में हेल्प कर सकता है। तो आप देखिए कि दुनिया के दूसरे देशों में, जैसे कि जापानीज है या मायन विमेन है, इनको मेनोपॉजल सिम्टम्स होते नहीं है। इनके लैंग्वेज में मेनोपॉज हॉट फ्लैशेस के लिए नाम ही नहीं है, क्योंकि वो कभी उनको होता ही नहीं है। तो क्यों, वो भी तो विमेन है, उनको भी तो वही हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उनको भी सिम्टम्स होने चाहिए थे, लेकिन नहीं होते हैं। तो क्यों ये है, क्योंकि जो डाइट वो लोग ले रहे हैं वो ट्रेडिशनल डाइट है, हमेशा से वही डाइट ले रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वो वही डाइट ले रहे हैं। और अगर उस लेडी को, वो जापानीज लेडी को हम एक अमेरिकन कल्चर में या वेस्टर्न कल्चर में ले आए, या मायन वुमेन को वेस्टर्न कल्चर में ले आए, और वो वेस्टर्न डाइट अपनाना शुरू करें, अब उनको वही सिम्टम्स आते हैं। इससे हम ये क्या समझ पाते हैं कि जब हम एक वेस्टर्न डाइट अडॉप्ट करते हैं
तब हमें ये सिम्टम्स ज्यादा या दिखाई देते हैं जो नहीं दिखाई देते थे। तो वेस्टर्न डाइट में क्या होता है, टिपिकली मैकडॉनल्ड्स, डोनट्स, आइसक्रीम्स, ये सारी चीजें हाई कार्ब है, हाई फैट है, हाई अनहेल्दी फैट्स है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम ज्यादा हाई कार्ब्स खाते हैं, ज्यादा अनहेल्दी फैट्स खाते हैं, तब हमें ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एंड सिंपल सी बात है, अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हम ये सिम्टम्स नहीं देखेंगे। लेकिन अब ये हो गया है कि हम इतने आदी हो गए हैं ये सब चीजें खाने के कि मुश्किल है इनको छोड़ना। तो क्यों हमें लो कार्ब खाना चाहिए, क्यों कार्बोहाइड्रेट्स? अब सब कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट तो हम हमेशा से खा रहे हैं, सदियों से खा रहे हैं, सालों से नहीं सदियों से खा रहे हैं, तब क्यों नहीं होता था, अब क्यों होता है? लो कार्ब, जब हम हाई कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमारा इंसुलिन बढ़ जाता है, और इंसुलिन इस हद तक बढ़ जाता है क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक इतना ज्यादा होता है, और हम इंडियंस हम प्रोटीन तो खाते ही नहीं है, तकरीबन तकरीबन खाते ही नहीं है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है। इंसुलिन जब बढ़ जाता है तो ईस्ट्रोजन कम हो जाता है, यानी कि जो हम फ्लक्चुएशंस देख रहे थे हमारे हॉर्मोन्स में वो बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ये हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, इस तरह की चीजें ज्यादा होने लगती हैं, हमारा इंसोमनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन ये बढ़ जाता है, और इससे मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, एनर्जी कम हो जाती है, तो हमें लेथार्जिक लगता है, मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है तो हमें हमारा वेट गेन होता है, वेट गेन होता है तो हमारा सेल्फ इमेज खराब होता है, उससे हमें डिप्रेशन आती है, उससे हम और ज्यादा लेथार्जिक हो जाते हैं, उससे और वेट गेन होता है, तो ये नेगेटिव साइकिल बन जाती है, एक से एक बढ़ते जाता है। और इन चीजों को हम दवाइयों से नहीं ठीक कर सकते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया है वो दवाइयों से नहीं ठीक होगा, जो हमारी एनर्जी ठीक कम हो गई है वो दवाइयों से नहीं ठीक होगी, वो डाइट से ठीक होगी। हमने डाइट गलत ली इसलिए ये सारे सिम्टम्स आए, अगर हम डाइट सही लेंगे तो ये सारे सिम्टम्स चले जाएंगे और हमें दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम एक्चुअली एलोपैथी में जो भी बात करते हैं वो इट हैज टू बी बैक्ड बाय स्टडीज, कि हमें प्रूव करना पड़ता है कि हम जो कह रहे हैं वो स्टडीज ने वैलिडेट किया है, कि हमें इतने लोगों में ये दिया, इतने लोगों में नहीं दिया, और हमने देखा कि जिनको दिया उनमें फर्क आया, जिनको नहीं दिया उनमें फर्क नहीं आया, तो ये प्रूफ है कि हम जो कह रहे हैं, तो ये स्टडी में दिखाया है कि अगर हम रिड्यूस्ड कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं, कम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं डाइट में, तो हमारा वेट गेन कम होता है, लेकिन अगर हम लो फैट डाइट खाते हैं तो हमारा वेट गेन बढ़ता है। सो नॉर्मली हम जब डाइटिंग की बात करते हैं तो हम हमें वेट कम अगर करना है तो हम लो फैट की तरफ जाते थे, इतने साल हम हमें सिखाया गया था कि आपको अगर आपको वजन कम करना है तो आप लो फैट खाइए, लेकिन ये हमें स्टडीज ने बताया है कि कार्बोहाइड्रेट कम करने से हमारा वेट ज्यादा कम होता है। ये 89,000 बहुत बड़ी स्टडी है, इतनी सारी लेडीज के साथ इन्होंने स्टडी की है, जहां उन्होंने अलग अलग टाइप की डाइट स्टडी की है, कि लो फैट है, लो कार्बोहाइड्रेट है, मेडिटेरेनियन डाइट है, और ये अमेरिकन डाइट जो हम उसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, SAD, काफी सैड डाइट होती है वो, विच इज लोडेड विथ अगेन यू नो बर्गर्स एंड पिज्जा एंड ऑल काइंड्स ऑफ जंक फास्ट फूड। तो उन्होंने देखा कि जो लोग लो कार्ब डाइट ले रहे थे उनका पोस्ट मेनोपॉजल वेट गेन सबसे कम था, बाकी डाइट से कंपैरिजन में लो कार्ब में वेट गेन सबसे कम था, और इस डाइट में उन्होंने 163 ग्राम्स पर डे को लो कार्ब कह रहे थे, लेकिन हम तो लो कार्ब 100 ग्राम से कम कहते हैं, तो इसलिए हमारे रिजल्ट्स और भी बेटर आते हैं। तो अगर हम अपने कार्ब इंटेक को 100 ग्राम से कम रखते हैं दिन में, तो हमारे कॉम्प्लिकेशंस होने की, सिम्टम्स होने की आशंका काफी कम हो जाती है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम 100 ग्राम्स खा रहे हैं या कितने ग्राम्स खा रहे हैं? जब भी मैं पेशेंट्स को पूछती हूँ कि आप क्या खाते हैं, तो नहीं डॉक्टर नहीं, मैं तो ज्यादा कार्ब्स नहीं खाती, मैं सिर्फ एक रोटी खाती हूँ। लेकिन
एक रोटी है, सुबह में आपने दो बिस्किट खाए थे चाय के साथ, फिर आपने नाश्ते में आपने उपमा खाया था या पोहा खाया था, या याद रखिए बिस्किट उपमा पोहा ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं, इवन फ्रूट कार्बोहाइड्रेट है, इवन यहाँ तक कि दाल जो हम प्रोटीन का सोर्स समझ के खाते हैं वो भी उसमें तकरीबन तकरीबन 20% प्रोटीन होता है, बाकी तो कार्ब्स ही है। और आप अगर चेक करेंगे आपका ब्लड शुगर दाल खाने के बाद, आप देखेंगे कि ब्लड शुगर आपकी बढ़ गई है। तो ये सारे सोर्सेस कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस हैं। सो जब तक हम नापते नहीं है, मेजर नहीं करते हैं, हमें सही पता नहीं चलेगा। सो कोई भी फूड डायरी जैसे कि माई फिटनेस पैल या इवन हेल्दी फाइव में है, या कोई भी ऐप जो आपको पसंद है उसमें आप फूड डायरी मेंटेन करिए, आप मेजर करिए कि आपने कितने कार्ब्स खाए, तभी आपको पता चलेगा। एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि ऑन एन एवरेज हम इंडियंस आई थिंक 300-400 ग्राम कार्ब्स आसानी से खा जाते हैं दिन का। एंड शुरू शुरू में हाँ इतना इजी नहीं है कि आप कार्ब्स कम करें, क्योंकि हमें बहुत आदत होती है कि हम अपनी दाल सब्जी के साथ में रोटी या चावल खाएं या दोनों खाएं, और ब्रेकफास्ट तो हमारा कार्ब्स ही होता है, उपमा पोहा पूरी भाजी आलू पराठा, ऑल ऑफ दीज आर ओनली कार्ब्स। तो इसको बदलना आई एग्री कि बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर आप हेल्थ अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो कहीं तो कोई शुरुआत तो करनी पड़ेगी। दोनों चीज नहीं आ सकती है ना, अच्छी हेल्थ भी हो और पसंद वाला जंक फूड खाना हो वो भी हो, तो जरा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या खा सकते हैं? हम लो कार्ब जब कहते हैं तो हम बोरिंग इंसिपिड एकदम बिना टेस्ट वाला खाना की बात नहीं करते, हम नहीं कहते कि आप बॉइल्ड चीजें खाइए, नहीं, आप देखिए इतना फिलिंग खाना है, हम कैलोरी काउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, इतना सारा अभी ये इतना बड़ा बोल है भरा हुआ है, आप देखिए कि इसमें अलग अलग तरह कलर्स के भी है, हम कहते हैं यू शुड ईट अ रेनबो एवरी डे, तो यहाँ पे वो आपकी रेनबो भी हो गई, व्हाइट ग्रीन येलो शायद कोई और कलर भी हो गए, तो आपके कलर्स भी हो गए, फाइबर भी हो गया, हेल्दी भी हो गया, और इसके ऊपर आप एक बहुत अच्छी ड्रेसिंग डाल दीजिए विच इज वेरी टेस्टी, एंड एड प्रोटीन इन टू दिस, मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं तो आप इसमें फिश या चिकन या एग्स डाल दीजिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं खा रहे हैं तो आप इसमें छोले छोले या राजमा ऐसे कोई बीन्स डाल दीजिए, सो दैट विल गिव यू द प्रोटीन ऑल्सो। इस तरह का सैलड बोल, यहाँ पे देखिए छोले हैं, यू हैव हेल्दी फैट्स इन दिस एवोकाडो, यू हैव डिफरेंट कलर्स, यू हैव इनफ फाइबर, इस तरह का अगर आप खाएंगे तो यू आर गेटिंग टेस्ट एज वेल एज हेल्थ, इट इज नॉट सो डिफिकल्ट रियली। अगेन टू ब्रिंग टू एम्फसाइज दिस फर्दर कि दाल जब आप खाते हैं तो 100 ग्राम्स ऑफ ड्राई दाल, हम टिपिकल फैमिली ऑफ फोर के लिए कितने ग्राम दाल बनाते होंगे एट वन मील? नॉट मोर देन 200 ग्राम आई सपोज ड्राई दाल, एक पर्सन के हिस्से में मे बी मैक्सिमम 50 ग्राम आती होगी, तो अगर 100 ग्राम में 24 ग्राम है तो आपको मिलता होगा 12 ग्राम्स। एंड देन रिमेम्बर कि वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर नॉट कंप्लीट प्रोटीन्स, दे डोंट हैव ऑल इसेंशियल अमाइनो एसिड, दे आर नॉट फुली अब्सॉर्ब। सो मान लीजिए कि अगर आप रोज दाल खाते हैं, जो आई हैव नेवर सीन एनी पेशेंट के कहते हैं कि हम रोज दाल खाते हैं, तो भी आपको 10 से 15 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है एंड बाकी सारा कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कम करना आपको जरा सोच लगानी पड़ेगी, इट इज नॉट दैट विल कम सो सिंपली, आपको थोड़ा सा उसके लिए प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, थोड़ी सोच लगानी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा आपके कुकिंग मेथड्स में, लेकिन ये हो सकता है। इवन अगर यहाँ पे अगर आप राजमा या चना, काबुली चना, काबुली चना इज ओनली 9 ग्राम्स प्रोटीन, तो
प्रोटीन मिलना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट कम करना जरूरी है. कैन आई शेयर विथ यू दिस बुक? इसमें आप देखेंगे कि क्यों आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने चाहिए और कैसे करने चाहिए. इसके अंदर काफी सारी रेसिपीज भी हैं. तो कैसे आप टेस्टी फूड बना सकते हैं विच इज लो कार्ब एंड इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू मेक, क्योंकि ये सारी इसमें जो रेसिपीज है मैंने खुद बनाई है. एंड आई एम द वर्ल्ड बेस्ट, नॉट बेस्ट सॉरी, वर्स्ट कुक. आई एम द वर्ल्ड वर्स्ट कुक. और अगर मैं बना सकती हूँ तो कोई भी बना सकते हैं. एंड दे आर टेस्टी एंड सिंपल एंड इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है कि अगर आप सोचे ना कि अगर हम जी रोटी आटा एंड चावल आर प्रोबेबली द लीस्ट एक्सपेंसिव आइटम्स ऑन आर फूड ग्रोसरी लिस्ट. या इनको डेफिनेटली एंड वी आर सेविंग द मनी एंड देन स्पेंडिंग ऑन द मेडिसिंस. अगर एग्जैक्टली एग्जैक्टली और इसमें ये है कि हम अपने लिए अगर कर रहे हैं लेकिन पूरी फैमिली का फायदा हो रहा है. या एवरीबॉडी इन द फैमिली इज आल्सो बेनिफिटिंग. डेफिनेटली डेफिनेटली डॉक्टर लिली, और आपने बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट प्रेजेंटेशन में शेयर कर दिया कि हमारी डाइट किस तरीके की होनी चाहिए और कार्ब्स हमें 100 ग्राम्स से नीचे ही रखने की कोशिश करनी चाहिए. और कई बार क्या होता है ना कि हमारी फैमिली में लेडीज सबके लिए कुक कर रही होती है, जिसमें बच्चा भी है, बड़े भी हैं, खुद भी है, तो थोड़ा सा जब उसे ये पता चलेगा कि डाइट इज द वे आउट, उसकी ये जो मेनोपॉजल प्रॉब्लम है, जो सिम्टम्स हैं, डाइट ही हल है और उसको फायदा लगेगा, तो वो डेफिनेटली वो चेंज करेगी. एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपने, मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मेनोपॉजल एज से गुजर रही है और उसका भी मेरे पास फोन आया कि उसने अपना लिपिड प्रोफाइल करवाया था, तो उसमें उसके काफी इम्बैलेंस आया है उसकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ और मेटाबॉलिक मार्कर्स में. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि लो कार्ब डाइट से क्या हमारे लिपिड प्रोफाइल में चेंज हो सकता है, या इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो हमारी इंक्रीज हो सकती है? एब्सोल्युटली, इंसुलिन सेंसिटिविटी हमारे कार्बोहाइड्रेट इंटेक से बहुत टाइटली रिलेटेड है. सो अगर हम इंसुलिन कम हमारी सॉरी कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम रखेंगे तो हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी धीरे 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 बढ़ जाएगी एंड एक एक टाइम पे आके वो काफी स्टेबल हो जाएगी. सो आज अगर देर इज समथिंग कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस. मुझे पेशेंट्स कहते हैं कि मैं भी एक रोटी खाती हूँ, मेरी बहन भी एक रोटी खाती है, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्यों है? इसलिए कि हम सब अलग हैं. आप आपकी मेटाबॉलिज्म आपकी बहन की मेटाबॉलिज्म से अलग है. तो आपकी कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस कम है. लेकिन अगर आप लो कार्ब रखेंगे काफी दिन तक, एटलीस्ट 3 मंथ्स तक, तो हो सकता है कि आपकी कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस इंप्रूव हो जाए, यानी कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाए, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाए, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाए एंड हो सकता है कि आप टॉलरेट कर पाए थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीनों के बाद, थोड़े वीक्स के बाद. बिल्कुल. और अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करेंगे साथ में, तो हमारी मसल्स जो है वो एग्जैक्टली भी एग्जैक्टली दे विल बर्न कार्बोहाइड्रेट. तो या अगर हमने खा भी लिए तो वो मेटाबोलाइज हो जाएंगे. एग्जैक्टली या एग्जैक्टली और एक और चीज मैं पूछना चाहती हूँ आपसे. जैसे कई बार हम लोग टेस्ट करवाते हैं, विमेन टेस्ट कराते हैं, और इंसुलिन फास्टिंग, अगर वैसे तो इंसुलिन फास्टिंग उनके लिस्ट में ही नहीं होता है ब्लड टेस्ट, हाँ, और ऊपर से अगर वो उनको हम सजेस्ट करें कि आप करवाएं, तो 2 to 25 जो है वो लैब रेंज उसमें दिखाई होती है. तो क्या होना चाहिए वो एग्जैक्ट जिसको हमें फॉलो करना है, व्हाट शुड बी द आइडियल रेंज कि हम हमारी फर्स्ट ऑफ मेटाबॉलिक. ऑल मैं बताऊंगी कि आप खुद करवाइए इंसुलिन टेस्ट. डॉक्टर्स नहीं एडवाइस करते, इवन बड़े बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं एडवाइस करते. कार्डियक हॉस्पिटल में जहाँ के ये डायबिटीज, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर डायबिटिक एंड दे आर ट्रीटिंग डायबिटीज, उनको भी नहीं एडवाइस करते. सो प्लीज आप खुद से फास्टिंग इंसुलिन करिए. एंड लैब रेंज इज नॉट एन ऑप्टिमम रेंज, रिमेंबर, नॉट जस्ट फॉर फास्टिंग इंसुलिन, फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इट इज नॉट द ऑप्टिमम. इट इज जस्ट अ रेंज विच दे हैव डिस्कवर्ड बाय ट्रीटिंग बाय टेस्टिंग सो मेनी पेशेंट्स. 1000 पेशेंट्स टेस्ट किए, उनमें से इतने नॉन डायबिटिक थे, उनका एवरेज 2 to 25 था. तो चलो 2 to 25 इज नॉर्मल. नो नो नो, 2 to 5 इज नॉर्मल.
या कट ऑफ एक्चुअली जब या सिक्स टू के एंड करीब फाइव. जितना ज्यादा हो उतना आई वुड प्रिफर, इवन 4 हो तो आई वुड प्रिफर टू ब्रिंग इट डाउन टू 2. जितना क्लोजर क्लोजर टू 2 हो आई विल बी हैप्पी. या एक इंसुलिन टेस्ट का आप करवाइए, फास्टिंग इंसुलिन, और एक HSCRP, ये दो टेस्ट करा के यू आर सॉर्टेड. ओके दैट्स ग्रेट. और हमारी जब हम मीनोपॉजल स्टेज में होते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस का भी रिस्क बढ़ जाता है, तो क्या लो कार्ब डाइट उसपे भी हेल्प करती है? ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है. ओके कहते हैं कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है एज के साथ, और ये नॉर्मल चीज है, और इसको हमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए, जो अब हम करते हैं, जो हम काफी कुछ इंजेक्शन एंड टैबलेट्स वगैरह लेते हैं. तो यस, एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट इज एन एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, एंड ऑस्टियोपोरोसिस इज एन इंफ्लेमेटरी कंडीशन. इट अलाउज कैल्शियम टू सीप आउट ऑफ द बोन. सो अगर हम अपनी डाइट को लो एंटी इंफ्लेमेटरी रखेंगे, लो इंफ्लेमेटरी रखेंगे, तो हमारी बोन स्ट्रांग रहेंगी. साथ में जैसे आपने कहा कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हमारे मसल्स, हमारी बोन्स सब स्ट्रांग हो रहे हैं. और साथ में तो विटामिन डी का भी अगर हम अपना लेवल विटामिन ऑप्टिमम डी रखें. एंड विटामिन के एंड मैग्नीशियम, बट या नॉट कैल्शियम. कैल्शियम ओनली फ्रॉम फूड. कैल्शियम सप्लीमेंट्स आजकल हम नहीं रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं बॉडी में, एंड देन यू कैन गेट कैल्शियम डेपोजिशन इन आर्टरीज एज वेल. तो कैल्शियम रिच फूड्स खाना हम रेकमेंड करते हैं, इंक्लूडिंग ओके डेयरी इफ यू कैन टॉलरेट. इफ यू डोंट हैव एन इनटॉलरेंस, तो डेयरी भी. ओके तो कुछ एक टेस्टिमनीज आपने अपनी लाइफ में, अभी जब से आप लो कार्ब लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, तो कुछ एक कोई खास ऐसी टेस्टिमनी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें जहां पर आपने वो रिकमेंड किया और उनको बहुत अच्छा असर हुआ, मे बी उनके एनर्जी लेवल्स और उनके सिम्टम्स में? वुड यू लाइक? We have had amazing, amazing results. मतलब मुझे, like I said, 50 साल हो गए हैं in the medical field. लेकिन अब जो मैं results देख रही हूँ after following integrative medicine, after following low carb, I'm amazed कि मैं कैसे लोगों को pharmaceuticals देती थी इतने साल तक. बिना pharmaceuticals के लिए we get such brilliant results. अभी डायबिटिक्स हैं जिनको आई थिंक 13-14 साल हो गए हैं, जो फर्स्ट डायबिटिक्स को मैंने ट्रीट किया था, कंप्लीटली फ्री ऑफ ऑल मेडिकेशन. नॉट ओनली देयर ब्लड शुगर बट ऑल्सो देयर ब्लड प्रेशर एंड द वेट गेन, ये सब साथ में ही हो जाता है. वेट गेन तो लाइक अ साइड इफेक्ट, वो अपने आप से कम हो जाता है. ब्लड शुगर्स कंप्लीटली स्टेडी अराउंड 85. इवन टाइप 1 डायबिटिक्स जो इंसुलिन मल्टीपल टाइम्स अ डे लेते थे, अब वो फ्यू टाइम्स अ वीक लेते हैं, मे बी 2-3 बार वीक में वो भी सेटल हो जाते हैं लो कार्ब डाइट से. तो वाओ अगर अगर उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? हमें ठीक बिल्कुल आपके जैसे वी नीड मैनी मोर डॉक्टर्स. है. अभी तो क्या होता है ना कि डॉक्टर्स के पास जाने से डर लगता है कि कहीं वो एक चीज के लिए जाओ और आप उनसे और दूसरे टेस्ट वो आपको रिकमेंड कर देंगे, एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली. वी नीड मोर डॉक्टर्स जस्ट लाइक यू. सो आई'ल फाइनली इनवाइट अनूप जी एंड शशि जी टू से थैंक्स फॉर योर प्रेशियस टाइम. सो कैन वी हैव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू, थैंक यू. इनफैक्ट आई विल से हियर, नो, जब पेशेंट्स आते हैं मेरे पास कंसल्टेशन के लिए तो काफी डरे हुए आते हैं कि पता नहीं क्या बोलेगी अब, ये खाना ये नहीं खाना. एंड एट द एंड ऑफ इट यू आर सो रिलीव्ड एंड हैप्पी. ओ अच्छा, ये हाँ ये तो हम कर सकते हैं. सो आई वांट टू टेल द व्यूअर्स कि ये डरावनी चीज नहीं है, ये काफी, इट्स वेरी डूएबल, इट्स वेरी सिंपल. तो करके देखिए. हाँ बिल्कुल. और इट्स कमिंग फ्रॉम डॉक्टर्स माउथ तो और विश्वास बढ़ जाता है. सो वी आर सो थैंकफुल टू यू फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम एंड शेयरिंग योर My pleasure. विजडम विद My ऑल आर pleasure. व्यूअर्स. थैंक यू सो मच. My pleasure.
अनूप एंड शशिकांत जी, वुड यू लाइक टू जॉइन अस? हाय इरा, इरा, यू आर ऑन म्यूट. थैंक यू. यू आर ऑन म्यूट इरा. यस, आई हैव बीन वाचिंग योर सेशन एंड व्हाट एन एनलाइटनिंग सेशन यू डिड. वेरी डायनामिक आई मस्ट से, एंड आई एम श्योर बिकॉज आई थिंक मीनाक्षी एंड यू टुक इट इन हिंदी. आई थिंक मोर पीपल विल बी एबल टू रिलेट टू व्हाट यू सेड बिकॉज देयर इज ऑलवेज दिस कनेक्शन एंड लॉट ऑफ पीपल वांट यू नो टू हियर द सेम थिंग्स इन हिंदी. So that's a very good on the spot innovation that you did. Thank you. Thank Yeah. you. Thank you. So I think Shashi and Anoop are not connected. Maybe they're preparing for the next session. Anoop will be on with me. But on their behalf, Dr. Keswani, I thank you a lot. I think Shashi is here. Yeah. Hi. Dr. Keswani, thank you very much. I just went out for a cup of tea. But of course, I was seeing your session and it was quite a delight to have you in this session. And I think you have made it more relevant to India. Thank you for inviting. Your conversation was a hybrid of English and Hindi, which is required. That's what I said. Very often, you know, whenever we have some programs, we always have a lot of people coming and telling us, why don't you have it in Hindi? I do try to have it in Hindi, but unfortunately, I'm not fluent enough to do it 100% in Hindi. But that is okay. See, we all see in India, we always have this hybrid situation. And I think that is what is required. And many of the programs we do have it in Hindi also, absolutely, or a combination. But I think that is quite good. And of course, I've been knowing you for long that you have this nickname of diabetes destroyer. So not only are you working in the field of, you know, gynecology, but also in the field of diabetes, which is very, very relevant to India. And I think that also goes hand in hand because as a gynecologist, you also see polycystic ovarian disease, which is related to insulin resistance and very often also related to diabetes also. Yeah, of course. So it's a very interesting spectrum. What I wanted to, you know, maybe ask you is, what is the incidence of diabetes do you see in those young females who come with polycystic ovarian? Is it a high percentage you see in your practice, or how is it? See, when I was a student, throughout my student life, I didn't see a single patient. It was only theory. And then after that, I was working in the Gulf, where I would see maybe 2-3 patients every week. That was a difference in the diet, you know. And now when I've come back here, I think I would see maybe 2 patients a month. Okay. But still a lot less than I was seeing in the Gulf. But yes, it is much, much, much more than when I was a student. And so, the outcome is terrible. And it is so easily reversible. So I feel really sad that women have to go through it. Not women, the entire family actually has to go through it. Why should they go through it? And I think, see, today we see that the incidence of dysglycemia or even diabetes during pregnancy is quite high. Very I mean, much. See, I do get a lot of clients, young clients, 28, 29, 30, yes, females. Yes. Coming with blood sugar and they are full blown diabetes. I would like to add a word of caution. You know, people will come with a HbA1c of 6.1, 6.2, and it is below the, you know, diabetes cutoff. Say, okay, it is not 6.5. I'm not diabetic and I'm safe. No, you're not safe. I see complications even in patients who are at 5.7 or 5.6. Why would you accept that as normal? Why would the doctors accept that as normal and then, you know, suggest to the patient that this is normal? Because you're creating a false sense of security. It is extremely risky to have an HbA1c of higher than that. Very rarely, actually, I see patients with a stable blood sugar around 85. Very rarely.
110 is accepted as very much normal. In fact, I recently came across one client came to me. She wants to go for IVF and her HbA1c was hovering around 6.5. But it seems that she was clear given clearance for this blood sugar to go ahead and have. But her gynecologist is a very senior gynecologist in Mumbai. She refused. She says that I will not carry any Very procedure nice. Very unless good. you get it to 5.5 or below. She was Very very good. strict. She was adamant. Very good. And couple of her physicians or diabetologists, they told that with 6.5 you can go ahead and have the procedure. So I was, this was, I told her that she asked me what to do. I told her his solution is one, you adopt low carb and you follow what your gynecologist says because she's very senior. And she knows that anything above 5.5 or something is not advisable when they're going for either IVF or to start a family. So generally, typically, when such clients come to us, so at least I take care of the diabetes part, and probably when they go to family planning part, we hand over to Meenakshi because she's an expert in, the pre-pregnancy planning and all. So that's how, we work as a team. Thank you, Shashikanji. Anup? I was very happy to listen to one thing that she said, fasting insulin 5 is normal. Now, extending that, in OGTT, do you think 1 hour glucose of 160 cleared as normal is okay? Technically, anything above 140 should be, a red flag. Exactly. And then it should come down to fasting level. Not, we Yes. always learnt 80, 160 and 120 ppbs 2 hours. No, I don't accept that now at all. It has to come back to fasting level. Now, extending that, who is to blame for all this? And part two of that question is, since there are doctors like you talking, why don't others understand this and blindly follow all the and you and But you know what, Anup? We are very good students. We follow whatever we are taught. This is what we are taught in medical college. And we actually believe it because this is what we are taught, And But what I... we taught is a byproduct of what pharma companies want to be taught. What the kind of knowledge that they want to be Exactly. disseminated in medical college. So it is really, I think, the pharma companies which are to blame, not the medical colleges themselves. What And did I learn about nutrition in medical college? One chapter, one single chapter. And all of my nutrition knowledge has come on my own. I've done all my study on my own. I think, I will not quote. There's one doctor who told me that the chapters in nutrition were so less, and in the exam there were so less marks that he told that we prefer to skip those chapter itself and then spend more time in reading the other important one Of than course. this. And Of even course. whatever less is thought is just let away. See, one chapter, if you have, then that will be around the level of what a fourth grade student might be learning. So that when you go to your doctor for nutritional advice, your doctor is coming from their own family beliefs. Okay, as an extension to that then, if in your opinion the nutritional knowledge is grade 4, then why do they step out against anybody who's talking against that grade 4 education or nutritional knowledge? They should just keep silent because they have not been taught. So why do they go and attack anybody who's... You can't do that. The doctors have a huge ego. Yeah. So that's point number two that I wanted to listen to. It's true. It's true. You can't accept that somebody who's a non-doctor is challenging your belief. It's not possible. Very few people have an open scientific mind, actually. Thank you. So thank you, Dr. Lee, thank you very much for sharing your knowledge with us. And I think it was in My a good pleasure. perspective because you have mixed up, you have combined gynecology with diabetes and very, 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 very important segments. It's your knowledge on both the segment, especially trying to, or rather, you are fully into more of integrative approach rather than the pill approach.
and that gives us a good perspective. And thank you. Maybe one day I'll meet you personally, because I also stay in Mumbai, but I never got an opportunity to meet you. I'll come and meet you personally. Thank you very much. We should. Thank you. Thank you for inviting.